अमेरिका दिन और आप देख रहे हैं जारुल जनसमय न्यूज। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नगर सभापति का एक आवेदन लिया वापस, शहर को बीमारियों से बचाव के लिए की फॉगिंग, जंजीरों में जकड़ी जिंदगी सहायता को मोहताज, नर्मदा की नींद के लिए डिगी अध्यक्षों ने दिया त्याग पत्र, बदहाली की आंसू बहाता सरकारी विद्यालय, ब्रेक फाउंडेशन ने डॉक्टर राजपुरोहित का किया स्वागत, पावली में SDM सिसोदिया ने की जनसुनवाई, आंगनबाड़ी पर बाल सभा दिवस हुआ आयोजित और बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। नगर सभापति का एक आवेदन लिया वापस, राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद जालौर के मतदान के बाद अब संघर्ष सभापति सीट के लिए चल रहा है, जिसके दौरान गुरुवार को सभापति पद के लिए 3 आवेदन आए थे, जिसमें भाजपा से गोविंद टांग, कांग्रेस से राजेंद्र सोलंकी और निर्दलीय के रूप में सुशीला भादुर ने नामांकन भरा था, जिसकी समीक्षा के बाद शनिवार को निर्दलीय सुशीला ने अपना नामांकन रिटर्निंग अधिकारी चंपालाल जिंगर से वापस लिया। अब सभापति के लिए 2 दावेदारी शेष रह गए हैं। इसी दौरान भादुर के साथ महेंद्र मुणोत, रमेश सेठ व कांतिलाल आदि मौजूद थे। शहर को बीमारियों से बचाव के लिए की फॉगिंग, राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार मौसमी बदलाव के इस बार गड़बड़ाए मौसमी समीकरण के चलते इन दिनों मौसमी बीमारियों का असर अधिक बढ़ गया है, जिसके चलते शहर को इन बीमारियों से बचाव के लिए नगर परिषद व सार्वजनिक चिकित्सालय द्वारा शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में फॉगिंग किया गया, जिससे मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव हो सके। इसी दौरान पिछले कुछ दिनों से शहर में फॉगिंग कार्य किया जा रहा है, जिसमें शनिवार को कल्याण नगर, चामुंडा माता मंदिर के पास, मानपुरा कॉलोनी सहित कई जगह पर फॉगिंग किया गया। जंजीरों में जकड़े जिंदगी सहायता को मोहताज, बाबूराज सुथार की जानकारी के अनुसार जालौर जिले में साचौर की ग्राम पंचायत सांकड़ के बासन देवड़ा गांव में एक गरीब परिवार की जिंदगी 26 साल से जर्जरों की मौत में बंधी हुई है। कस्बे में हरिराम पुत्र टिकमाजी मेघवाल निवासी बासन देवड़ा ऐसी स्थिति से गुजरने के दौरान भी सरकार द्वारा पेंशन आदि किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। पीड़ित के बेटे जेठाराम ने बताया कि मेरे गरीब परिवार को किसी योजना व चाहता नहीं मिल रही है, नहीं कभी सरकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि हमारी सुध लेने के लिए कभी आया है, ऐसे में परिवार को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। नर्मदा की नींद के लिए डिग्गी अध्यक्षों ने दिया त्याग पत्र, जनसमय कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार सांचौर में किसानों को नर्मदा नहर का पानी समय एवं नियमित नहीं मिलने से किसानों ने विरोध कर डिग्गी अध्यक्ष किसानों ने नर्मदा नहीं के अभियंता को त्याग पत्र दे दिया। वहीं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत करवाकर उनके समाधान की मांग की। किसानों ने ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में किसानों को सप्ताह में 3-4 दिन पानी मिल रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। इसके संदर्भ में प्रतिदिन नियमित पानी मिले और पानी का गेज भी पर्याप्त रहे, इसी के दौरान काफी संख्या में किसान बंधु मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। कस्बे के विजयनगर गोला की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इन दिनों बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्कूल की भवनों की हालत पर नजर डाले तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जान की जोखिम से कम नहीं है। कक्षा कक्षों में प्लास्टर गिर जाने के बाद यहाँ जर्जर हालत में लोहे के सरिये दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई बार पढ़ते समय प्लास्टर गिर जाने से विद्यालय प्रबंधक ने एक ही कमरे में 2 क्लास का एक साथ बिठाकर पढ़ाई करवाने को मजबूर है, जिस पर अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। वहीं कई बार अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने भी समस्या उत्पन्न हो रही है। ब्रेक फाउंडेशन ने डॉक्टर राजपुरोहित का किया स्वागत, बागरा से बक्सिंग राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार
बागरा ब्रिप फाउंडेशन जालोर द्वारा ब्रिप फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय इकाई अमेरिका इकाई से संयोजक एवं उत्तरी अमेरिका विश्वविद्यालय के निदेशक तथा भारतीय मूल के राजस्थान के जालोर जिले के बागरा गांव के मूल निवासी डॉक्टर दिनेश कुमार राजपुरोहित का शुक्रवार को भिनमाल के खारी रोड स्थित चंडीनाथ महादेव मंदिर में स्वागत किया गया। इसी अवसर पर डॉक्टर राजपुरोहित ने बताया कि विप्र समाज को आगे बढ़ाने में हर कदम सहयोग करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विद्यार्थी शिक्षा हेतु अमेरिका जाना चाहे तो उसका हर संभव सहयोग करेंगे। इस अवसर पर भिनमाल क्षेत्र के प्रसिद्ध वैद्य हरिशंकर ठाकुर का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दरगाराम राजपुरोहित, रजनीकांत वैष्णव, दिनेश दवे, अधिवक्ता सत्यवान सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर घनश्याम व्यास से कई समाज बंधु एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। पावली में एसडीएम सिसोदिया ने की जन सुनवाई। जसनपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय के पावली ग्राम में गुरुवार को एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में प्रमुख रूप से गांव की ग्रीवस सड़कों को सुधारने के लिए विकास अधिकारी को निर्देशित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी को तीसरी किस्त नहीं मिलने के बारे में तहसीलदार जसनपुरा को निर्देश दिए तथा विद्युत बिलों में त्रुटि संबंधित शिकायत को लेकर विद्युत विभाग में सहायक अभियंता को समाधान की बात कही। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, यातायात नियमों की पालन करने, नशा नहीं करने आदि की जानकारी दी। इसी अवसर पर सभी अधिकारियों से ग्रामीण उपस्थित थे। आंगनबाड़ी पर बाल सभा दिवस का हुआ आयोजित। रामसेन से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र रामसेन में बाल सभा दिवस का आयोजन प्रत्येक केंद्र पर किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र रामसेन सेंटर नंबर 3 पर बाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई करने का संदेश दिया गया। इसी दौरान उपस्थित बालक बालिकाओं को सायका ने पोषाहार वितरण किया। इसी दौरान कार्यक्रम में कार्यकर्ता मंगनी देवी गर्ल, सायका पंकु देवी गर्ल, आशा रेखा देवी सोलंकी उपस्थित रहे। वही पप्पू सिंह, ललित, सुरेश सोलंकी, विनोद कुमार, राहुल गर्ग, प्रकाश गर्ग सहित कई लोग उपस्थित थे। बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल का हुआ आयोजन। विमल गोलेच्छा की जानकारी के अनुसार 21 नवंबर को जेसीआई बेंगलुरु गार्डन सिटी के महिला विंग ने गोपालन मॉल में बोल बेबी बोल रॉक एंड रोल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें करीब 125 महिलाओं ने इसमें पूरे जोश शोर से भाग लिया। कार्यक्रम खास महिलाओं के मनोरंजन के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें से आधी टीमों ने बोलिंग खेला और आधी टीमों ने ट्रेजर हंट खेला। पूरे उत्साह से खेलते हुए बॉलिंग में से 2 विजेता चुने गए, जो ट्रेजर हंट में से 2 टीम विजेता चुनी गई। कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर चेतना मेरुश, प्रोजेक्टर का ऑर्डिनेटर अंजलि जैन ने बेखूबी कार्यक्रम को संभाला। कार्यक्रम की सेक्रेटरी जेसी सपना गोलेचा, चेयरपर्सन जेसी पिंकी मेहता और अध्यक्ष जेएफएम हितेश गिरिया ने मंच संचालन किया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालोर शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबर में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।